अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोग सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने आग रख दी है चूल्हे पे दाल दाल पकने के लिए, और यहाँ पर बन रहे हैं आज दाल चावल। तो जी व्यूअर्स, दाल रख दी थी मैंने चूल्हे पे पकने के लिए, क्योंकि शाम जो है ना काफ़ी टाइम जल्दी जल्दी गुजर जाता है। और यहाँ पर मैं ज़ीरा कोट रही हूँ, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसे ढक्कन ढककर रख दूँगी पकने के लिए। साथ में मैंने बनाया था यहाँ पर शामी कबाब का मसाला, तो बस इसे भी शाम को रेडी करेंगे। तो जी बस यहाँ पर जो है ना मैंने एक आलू भी काट लिया है ताकि मैं इसे पकौड़े में डाल सकूँ। पकौड़ों का जो बेसन है वह भी मैंने रेडी कर लिया है। तो जी व्यूअर्स, मैंने जो कबाब बनाए थे मसाला वो मैंने रेडी कर लिया था। अब कबाब बना लिए, कुछ मैंने फ्रीज़र में रख दिए और कुछ मसाला जो है ना अभी बच गया। अब इसकी भी टिक्कियाँ बनाकर अभी शाम में अफ्तारी में जो है ना इसे कुछ रखेंगे। और बिल्ली भी आ गई, बिल्ली ये देखें, और हमारा गोलू मोलू ये देखें, हमारा गोलू मोलू इधर घूम रहा है। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे ज़ीरे वाले वाइट चावल जो है ना तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसका कर रही हूँ चूल्हा बंद, और साथ में यहाँ पर बनी है दाल। तो खाना हमारा रेडी हो चुका है शाम का, और साथ में अभी हम करेंगे पकोड़े। लेकिन अब लाइट आएगी तो फिर कर रही है सहनी। गोलू मोलू ये देखो, मुदस्सिर रो रहा है। मुदस्सिर क्या हुआ? बिल्ली ने काटा है आपको? बिल्ली ने काटा है, बिल्ली ने मुदस्सिर को बिल्ली ने मारा है ना, है ना। और ये गोलू मोलू क्या कर रही है? गोलू मोलू गोलू बस यहाँ पर अब कट रहा है फ्रूट, साथ में अभी ये दूध बनाए हैं कस्टर्ड, और कस्टर्ड तो अभी रात को ही बनेगा। बच्चे देखो कितना तंग कर रहे हैं पीछे, इग्नोर कर दीजिएगा शोर को। तो जी बस पकौड़े जो है ना वो हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने आलू के तैयार कर दिए पकौड़े, और साथ में मैं भी शामी कबाब रख रही हूँ फ्राई करने। तो जी बस यहाँ पर ये हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई। इसके लिए भी हम एक प्लेट निकालते हैं और इसे डालते हैं, तो आज मज़ा आ जाएगा खाने का। ये है चिकन के शामी कबाब, तो किस किस को पसंद है कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, यहाँ पर हमारी हर चीज़ रेडी हो चुकी है, और रायता भी हमारा रेडी है, जूस वगैरह अभी हम रखते हैं सब दस्तर पे। और दस्तर जो है हमारा अभी बिक चुका है, और यहाँ पर मैंने कस्टर्ड बना के भी रख दिया था ताकि कस्टर्ड जो है ना अच्छे से जम जाए, और यही हमारी जेली है। जी बस हमारी जो है अफ्तारी तैयार हो चुकी है, फ्रूट वगैरह शामी कबाब पकौड़े और ये सब हमने रख दिया है, और हम खोलेंगे अफ्तार अजान होगी तब।